स्वागत है आप सबका हमारी YouTube चैनल विनय टूर में। मैं हूँ विनय, आज हूँ फैजाबाद में और ये है बहू बेगम का मकबरा, जो एक प्रसिद्ध और प्राचीन स्मारक है जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते रहते हैं। तो आज मैं इसके बारे में आप सभी को बताऊंगा और इसे एक्सप्लोर करने वाला हूँ, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको मिलते रहें। और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ही, और कमेंट में बताना कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। दोस्तों, ये मकबरे का वो मेन गेट है और जिस पे देख सकते हैं आप 20 फुट की ऊंची लकड़ी का दरवाज़ा लगा हुआ है और इस किनारे पर लगा एक बोर्ड जो देख सकते हैं बहू बेगम का मकबरा है, टम्ब ऑफ बहू बेगम। दोस्तों, ये भारत सरकार द्वारा जो होता है उसके सर्वेक्षण में उसके अधिकार अंडर में आ चुका है, तो उसकी देखरेख सर्वेक्षण विभाग करता है। तो अभी इस गेट की पुताई हो रही है, देख सकते हैं ये गेट काफ़ी ऊंचा है, लगभग 30 फुट से ऊपर ऊंचा होगा और यहाँ पे एक पंखा लगा है इस साइड। ये गेट का दोनों किनारे का भाग है, मुख्य गेट देख सकते हैं, यहाँ पे एक पेंटर हैं जो इस गेट को पोत रहे हैं, यानी इसकी पेंटिंग कर रहे हैं ब्लैक कलर से। एक पूरा लकड़ी का दरवाज़ा है, देख सकते हैं 20 फीट लगभग 20 फीट ऊंचा होगा यह, और कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो चलते हैं मंदिर की तरफ और इसको आगे के दिखाते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा बहू बेगम का मकबरा फैजाबाद जमातुल जोहरा, जो कि बहू बेगम का नाम से प्रसिद्ध थी, नवाब सुजाउद्दौला की पत्नी थी। इनके मकबरे के निर्माण का कार्य दरबार अली खान 1815 ईस्वी और उनके वकील पनाह अली ने आरंभ किया। के नीचे तली में पंखुड़ियों जैसी आकृतियों के अलंकरण किया गया है। मकबरे की आंतरिक छत एवं दीवारों स्टूकों से उभारी एवं चमकदार से रंगों से सज्जित सुंदर आकृतियों से अलंकृत है। तो दोस्तों, ये बोर्ड है जहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं का उपयोग किया गया है और ये वो यहाँ का मेन गेट है। लगभग इसे कहा जाता है कि ये फैजाबाद की सबसे ऊँची इमारत है और ये एक दूसरा ताजमहल है फैजाबाद में, जिसे सुजाउद्दौला ने बनवाया था अपनी पत्नी बहू बेगम के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे एक प्यारा सा है गार्डन इस तरफ में और काफ़ी सुंदर व्यू है यहाँ का। यहाँ पे काफ़ी लोग घूमने के लिए आते हैं इसके देखने के लिए। यहाँ पे एक पक्षी है जिसको मैं दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये देख सकते हैं आगे जो टम्ब बना हुआ है यही वो मकबरा है, जिसकी काफ़ी ऊंची मीनार है। ये ऊपर का भाग गुम्बद जैसे गुम्बदनुमा है और नीचे चलते हैं अंदर की तरफ। कुछ लोग घूमने के लिए आए हैं जो कि सामने आप लोग देख सकते हैं। तो दिखाते हैं, किनारे किनारे गार्डन बना है, एक प्यारा सा बगीचा है जिसमें बहुत सारी फूलों की क्यारियाँ लगी हुई हैं जो एक सुंदर भव्य और सुंदर बनाता है। इसका गेट देख सकते हैं, सामने एक लकड़ी का गेट लगा हुआ है जिसके अभी पेंटिंग का कार्य हो रहा है और काफ़ी ऊंचा गेट है, तकरीबन 20 फीट ऊंचा होगा। तो देख सकते हैं ये सामने ये मीनार है जिसका गुंबद काफ़ी बड़ा और काफ़ी ऊंचा है, जिस पे आपको अगर मैं जूम करके दिखाऊं अगर आप देख पाएं तो ये एक चिड़िया बनी हुई है इसके गुंबद पे, जो आपको अगर विजिबल हो पा रहा। तो और यहाँ पर चार छोटे छोटे गुंबद हैं और ये बीच में बड़ा गुंबद है। चलते हैं इसके अंदर और दिखाते हैं यहाँ के बारे में, आप लोगों को बताएंगे क्या है। दोस्तों, यहाँ के जो नवाब थे ये सुजाउद्दौला, उनकी पत्नी का नाम था बहू बेगम, जो अपनी पत्नी के लिए इस मकबरे का निर्माण करवाया था। ये बहू बेगम का किला बताया जाता है, देख सकते हैं ये नीचे का पार्ट है जो अभी लाख है, बहुत सारे गेट बने हुए हैं और ये शायद सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं जो अभी बंद है इस टाइम पे। तो देखते हैं अगर कोई मिलता तो खुलवा के ऊपर जाएंगे। और इसका एक बार चारों तरफ का व्यू देख लीजिए, इस तरफ जंगल है, फ्रंट में नीचे एक गुंबद सा आकार है। तो देख सकते हैं ये काफ़ी छोटा, यहाँ पर छोटा है, ये बाहरी भाग है इसका और इस तरफ भी एक दरवाज़ा लगा हुआ है जिस पर भी लॉक है। तो इसके अंदर का पार्ट शायद बंद है तो हमें बाहर ही आप लोगों को दिखाना पड़ेगा। देख सकते हैं एक ऊपर ये पीछे का गुंबद है और ये मेन वाला गुंबद जो बीच का है, ये बाहरी गुंबद है
और देखते हैं अगर कहीं से खुला होगा तो अंदर की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों ये लगभग 1815 ईस्वी में दोस्तों शुजाउद्दौला जो यहाँ के नवाब थे उनके जो वास्तुकार थे उस टाइम के उन्होंने ही इसका डिजाइन किया था। तो ये काफी बड़े एरिया में है और इस साइड सारी तरफ से बंद है, मैं आपको बाहर बाहर ही दिखा पा रहा हूँ। कोशिश करता हूँ अगर अंदर जाने को मिलता है, इधर जैसे कोई आता नहीं है तो बंद पड़ा हुआ है। और इस तरफ काफी बड़ी ये बगीचा है और इस तरफ देख सकते हैं जंगल ही है। जैसे मैंने पहली बार दिखाया कि उस तरफ में जो है एक छोटा सा गुंबद था, ठीक उसी तरीके से ये हमारे सामने एक छोटा सा गुंबद फिर से है। और ये देख सकते हैं वो टम, मैं इसको बार बार आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आप इसके शिखर पे देखेंगे तो एक छोटी सी चिड़िया बनी हुई है और ये वो टम्ब है। और यहाँ का काफ़ी प्यारा सा व्यू है, बहुत बड़े में एक मकबरा है तो देख सकते हैं इधर एक पेड़ है इधर, और एक काफ़ी बड़ा बगीचा है तो जिसकी साफ सफाई ना होने के कारण काफ़ी घना जंगल हो चुका है, यहाँ से दिखेगा नहीं शायद आप सबको। और ये टम्ब के चारों तरफ मैं चल रहा हूँ, दिखाता हूँ। ये पीछे का भाग है, आप देख सकते हैं यहाँ से जो मेन वाला गुंबद है बीच वाला दिख रहा है, ये पीछे का पार्ट है, फ्रंट पार्ट नहीं है। तो ये जिस चारों तरफ समान इसकी दूरियां हैं, समान लंबाई चौड़ाई में बना हुआ है, देख सकते हैं काफ़ी बड़े में है। और ये लाखौरी ईंटों से बनाया गया है, इसके ऊपर चूने का प्लास्टर हुआ है। 200 साल पुरानी ये बिल्डिंग हो चुकी है और अभी भी ये इसी अवस्था में बनी हुई है। तो बेसिकली ये उसकी चार दीवारी है, ऐसे ऊंची ऊंची चार दीवारियाँ इसके चारों तरफ हैं जहाँ से इसको घेरा गया है। और यहाँ पे काफ़ी पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जो पूरा बगीचा नुमा है देख सकते हैं। हर जगह से इसको लॉक कर दिया गया है, अंदर के पार्ट को कहीं से जाने का कोई भी जगह नहीं बचा है। यहाँ पे लोग कुछ शायरियाँ वगैरह लिखे हैं देख सकते हैं, रुबीना आई लव यू। तो ऐसे ऐसे लोग अपनी हरकतें किए हुए हैं यहाँ पर भी। और ये है पीछे का पार्ट, ये वो टम्ब है। तो देख सकते हैं ये भी इस तरफ से भी गेट जो है वो लाटी है। दोस्तों आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आप सभी को जो भी वीडियो मैं लाता रहूं वो आपको सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो अभी मैं यहां से फैजाबाद की और भी जगह की वीडियो लाऊंगा, फैजाबाद दुर्गा पूजा चल रहा है तो वहां की वीडियो जल्द से जल्द आएगी, तो देर मत करिए। आप लोग बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और चलिए वीडियो में आगे हम बताते हैं और इस टम्ब को दिखाते हैं। ये सामने की तरफ फिर उसी तरीके से एक टम्ब है, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ तखत वखत रखा हुआ है, यहाँ पे कोई रहता भी है शायद। ये छोटी सी झोपड़ी बनी है और यहाँ पे कुछ कपड़े भी हैं और ये एक साइकिल भी यहाँ पे खड़ी है। और गेट अभी भी लॉक है देख सकते हैं सामने, इस घर में कोई रहता जरूर है। तो फिलहाल अभी तो है लॉक, घर में देखते हैं कोई मिलता है कि नहीं मिलता। और यहाँ पे एक बड़ी सी पक्षी भी है जिसको मैंने आप सभी को दिखाया, ये देख सकते हैं यहाँ से वो टम्ब का एरिया है काफ़ी ऊंचा सा। मैंने इसको बार बार आप लोगों को दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा मकबरा है और इसके अंदर अभी तो कोई दिख नहीं रहा है, अगर मुझे अंदर जाने मिलता तो मैं इसको दिखा पाता। तो चलिए आगे की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं ये ऊपर जाने का रास्ता है लेकिन अभी गेट पे लगा हुआ ताला, ये ताला भी लगा हुआ है यहाँ पे, ये ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं पर अभी बंद है, कोई दिख भी नहीं रहा यहाँ पे जो इस गेट को खोले। काफ़ी सारे पुष्प लगे हुए हैं जो बहुत ही सुंदर हैं, एक प्यारा सा गार्डन है काफ़ी बड़े में और काफ़ी ऊंची ऊंची दीवारें हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी। तो यही है इसका ये फ्रंट एरिया देख सकते हैं, एक बार इसको हम फिर से दिखा देते हैं आप सबको, इस मकबरे को इस तरीके से। गुलाब के पौधे काफी सारे लगे हुए हैं, ये गुलाब वाटिका है छोटा सा। और सामने जो बाग दिख रही है उसमें अमरूद के काफी सारे पौधे लगे हुए हैं। और ये वो मेन गेट है यहाँ का। तो दोस्तों यहाँ से निकलते हैं बाहर और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में।